नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज मैं आपको एक और न्यूज़ देने आया हूँ, एक ऐसी नोटिफिकेशन के बारे में जो कि बैंक की तरफ से है। जी हाँ, कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस यानी कि CRP ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी PO की वैकेंसी निकली हुई है, जो कि पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा वैकेंसी कब निकली हुई है। देखिए, वैकेंसी आपकी आ गई थी 1 तारीख को नोटिफिकेशन, शाम के 6:30-7 बजे करीब, और इसकी पूरी डिटेल दूंगा आपको वीडियो में, लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, वीडियो आपको पूरी देखनी चाहिए ताकि आपको कोई भी स्टेप मिस ना हो। वैकेंसी के बारे में बता देता हूँ, IBPS की वैकेंसी है, जो कि मैं टोटल पोस्ट की बात करें तो 6,432 पोस्ट निकली हुई है, जो कि नोटिफिकेशन 1 अगस्त 2022 शाम को 6:30 बजे आ चुकी थी। और हमारी कोशिश ये रहती है कि आपको सबसे पहले वीडियो बनाकर दी जाए ताकि आप उसको टाइम टू टाइम भर सकें, जो आपकी एलिजिबिलिटी है उसके हिसाब से आप फॉर्म को भर सकें। ठीक है दोस्तों, तो डिटेल पूरी बता देता हूँ इसमें। देखिए, एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो चुकी है 2 अगस्त 2022 से, और इसकी जो आखिरी तारीख है फॉर्म भरने की वो 22 अगस्त 2022 है, तो काफ़ी टाइम मिला हुआ है, आपको ईजिली फॉर्म भर सकते हैं। सेम डे में ही इसकी पेमेंट होनी है, यानी कि जो लास्ट डेट 22 अगस्त है उसी डेट तक आपको पेमेंट भी करनी होगी। इसका जो प्री एग्ज़ाम होना है वो सितंबर अक्टूबर के बीच में होना है, अभी चल रहा है अगस्त, यानी कि अगले ही महीने। ये पूरी वैकेंसी की डिटेल आपको बता रहा हूँ मैं, ये पूरा प्रोसेस 2022 में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि इसका सेकंड एग्ज़ाम भी आपका हो जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जनरल या OBC EWS के लिए 850 रुपये, वहीं SC ST और फिजिकली हैंडीकैप में अगर आप आते हैं तो आपकी जो फीस है इसमें 175 रखी गई है। सभी तरीके के ऑप्शन है इसमें फ़ीस मोड के, अगर आपके पास ऑनलाइन फ़ीस मोड करते हैं आप, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ई वॉलेट, कैश या फिर IMPS किसी भी के भी थ्रू आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। वैकेंसी की बात कर लेते हैं। देखिए, PO की जो 12 वैकेंसी की डिटेल है, आपको पूरी डिटेल आपको यहाँ पर बताऊँगा। कैटेगरी के वाइज बता देते हैं, जनरल में 2596, OBC में 1741 वैकेंसी है। अगर आपके पास EW सर्टिफिकेट है तो जनरल कैटेगरी की 616 अलग से वैकेंसी है, और SC कैटेगरी की 996 और ST कैटेगरी के 483, यानी कि टोटल ऑफ पोस्ट की बात करें तो 6,432 पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद आपको बता दें कि ये जो वैकेंसी है इसमें जो एज क्राइटेरिया है वो 20 से 30 साल का है। अगर आपकी उम्र 1 अगस्त 2022 को 20 साल की ही हो रही है तो अभी आप एलिजिबल हैं, और आपकी उम्र अगर 30 साल तक की भी हो रही है तो भी आप एलिजिबल हैं इस वैकेंसी के लिए। आपने ग्रेजुएशन कहीं से भी की हो, किसी भी एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड इन इंडिया, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है दोस्तों, बैंकों की तरफ से बात कर लेते हैं। 12 बैंकों की वैकेंसी है, कितनी कितनी वैकेंसी है एक बार आइए नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले बता दूं कि इसके अंदर जो वैकेंसी निकली, देखिए, बैंक ऑफ इंडिया यानी कि BOI के अंदर 535 वैकेंसी है यानी कि पोस्ट। उसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 2500, सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी में निकली हुई है। फिर पंजाब नेशनल बैंक 500, और पंजाब एंड सिंध बैंक में 253, और यूको बैंक में 550, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 2094 पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, IBPS ये जो एग्ज़ाम होता है, एक स्कोर कार्ड होता है, इसको आपको क्लियर करना होता है। क्लियर करने के बाद जो बैंक होते हैं अदर बैंक, यानी कि 19 बैंकों के करीब है जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल 12 बैंकों के लिए निकली हुई है, जिसकी डिटेल मैंने आपको अभी बता दी है। ठीक है दोस्तों, फॉर्म को कैसे भरना है, फॉर्म को भरने के बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करना। तो आ गए हम ऑफिशियल साइट पर। उसके बाद देखिए, राइट साइड में आपको दिख रहा होगा क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। आपको इस क्लिक हेयर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर लेना है। स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ, देखिए कैसे कैसे आपको फिल करना है। जो आपको यहाँ पर डिटेल दिख रही है, पूरा फॉर्म तो आपके सामने खुल ही गया है। जितनी भी डिटेल आप डालेंगे, जैसे फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, ये सब आपको कैपिटल लेटर में डालना है, और 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पर आपकी डिटेल देखिए, यहाँ पर आप डाल सकते हैं, जो भी आपका डिटेल है वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है, अपना मोबाइल नंबर, अपने ईमेल आईडी, ये सब आपको यहाँ पर डाल देनी है। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और बता दूं कि जब आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल लेंगे तो थोड़ा सा रिकन्फर्म कर लेना कि एकदम ठीक है कि नहीं। वैसे तो यहाँ पर 2 बार ऑप्शन दे ही रखा है, लेकिन आप फिर भी अपनी तरफ से
देख लीजिएगा कि आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सही डाल रहे हैं कि नहीं, क्योंकि जो इसकी नोटिफिकेशन आती है वो ईमेल आईडी के थ्रू ही आपको पता चलता है कि आपका एडमिट कार्ड वगैरह कब इशू होने वाला है, कब आपका एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद देखिए आपके मोबाइल पर आईडी पासवर्ड चला जाएगा, और अगर नहीं भी जाता तो आप उसको यहाँ से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आपका पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर आपका डैशबोर्ड पर ही शो हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी फ़ोटो लगा देनी है, फ़ोटो का साइज़ वगैरह आपको पहले से ही सेट कर लेना है, जैसे कि मैंने पहले ही सेट करके अपने सिस्टम में रखा हुआ है। तो आपको भी जो साइज़ है वो 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर का साइज़ रखना है फ़ोटो का। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन ऊपर दे रखे हैं, आप उसको एक बार क्लियरली केयरफुल्ली रीड कर लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका जो 20 से 25 मिनट का टाइम होता है सेशन एक्सपायर होने का, फॉर्म को आराम से भर सकते हैं, 20 से 25 मिनट बहुत होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बना रहा हूँ मैं, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर पता चल सके कि फॉर्म कैसे भरा जाता है और किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो आप यहाँ से अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे डैशबोर्ड से। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर अपना नीचे सिग्नेचर आ रहा है तो अपना सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेंगे। ये सारा डिटेल आपको पहले से ही सिस्टम में रख लेनी है, ताकि आपको फॉर्म भरते समय आपका टाइम ख़राब ना हो और सेशन भी एक्सपायर ना हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए आप नेक्स्ट करेंगे, और उसके बाद अपनी कैटेगरी, अगर आप EWS कैटेगरी में आते हैं तो EWS पे क्लिक करेंगे, अगर आप अदर कैटेगरी में आते हैं तो अदर कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, जैसे कि जनरल या फिर SC ST या OBC। तो यहाँ हम SC कैटेगरी से फॉर्म भरने वाले हैं, तो SC कैटेगरी पे हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी होती है, यानी कि आप फिज़िकली हैंडीकैप वगैरह विकलांग होते हैं, तो आपको यस करना है, अदरवाइज़ नो करना है। यहाँ जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं यस और नो के, आपको अपने अपने हिसाब से देख लेना है कि आपकी क्या एलिजिबिलिटी है, उस हिसाब से आपको ऑप्शन को यस और नो कर देना है। यहाँ पर हम अपने हिसाब से देख देख के कर सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल देखिए, यहाँ पर आ रहा है एक्स सर्विसमैन का ऑप्शन, अगर आप पहले से ही जॉब कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में तो यहाँ पर यस करके अपना एक्सपीरियंस डाल सकते हैं, अदरवाइज़ इसको नो कर देंगे। यहाँ पर आ गया कि रीजन ऑफ विच यू बिलोंग कम्युनिटी, यानी कि आप किस कम्युनिटी से, अगर हिंदू हैं तो हिंदू डाल सकते हैं, अगर आप माइनॉरिटी में आते हैं तो यहाँ पर अपना माइनॉरिटी सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपकी माइनॉरिटी है। उसके बाद उसको सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे वाले ऑप्शन पर यस कर देना है, और अगर आप हिंदू हैं तो आपको नॉर्मली नो कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अंडरटेकिंग मिल रही है कि आपने कभी पहले फॉर्म भरा हुआ है CWE या CRP या POT का, अगर आपने भरा हुआ है तो आप इसको यस कर देंगे, और यस करने के बाद आपको लिखना है कि आपने कितने अटैम्प्ट किए हैं, 2 या 3। अगर 2 या 3 किए हैं अटैम्प्ट या 1 भी किया है तो आप इसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर नो कर देंगे। ठीक है, नो कर देने के बाद आपको फिर स्क्रॉल करना है, और स्क्रॉल करने के बाद अपनी नेशनलिटी इंडियन डाल देनी है। इसके बाद अपना स्टेट अप्लाई करना है, अगर आप दिल्ली से अप्लाई कर रहे हैं तो दिल्ली, यूपी से करना है तो यूपी, अपने आप ही स्टेट कोड फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको अपना सेंटर, जो आपको प्री एग्जामिनेशन का सेंटर है, वो आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। एग्जामिनेशन सेंटर फिल करने के बाद आपका यहाँ पर देखिए आ रहा है ID प्रूफ। ID प्रूफ में आपके पास आधार कार्ड, वोटर ID, पैन कार्ड या फिर जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हो अवेलेबल, वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद अपना आपको कैटेगरी, अपना जेंडर फिल कर लेना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेनी है, जो भी डिटेल आपके सामने आ रही है वो आपको डाल देना है। देखिए आधार कार्ड और पैन कार्ड इसमें दोनों ही ऑप्शनल हैं, कोई कंपलसरी नहीं है। इन दोनों में से आपके पास कोई डिटेल हो तो आप इसको फिल कर सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको अपना फादर नेम और जो मदर नेम है वो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग बनना है, ताकि आपको किसी तरीके की कोई इशू आगे चल के ना हो। अगर आप मैरिड हैं तो आप यहाँ पर मैरिड पे क्लिक करके स्पाउस नेम में अपना मैरिड का, यानी कि अपने पार्टनर का नाम डाल सकते हैं। अगर आप वाइफ हैं, लेडीज़ हैं, तो आप अपने हस्बैंड का नाम डालेंगे, अगर आप जेंट्स हैं तो आप अपनी वाइफ का नाम इसमें मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना प्रॉपर एड्रेस डाल देना है। देखिए 3 कॉलम है यहाँ पर, एड्रेस 1, 2, 3, आपको तीनों में अपना प्रॉपर एड्रेस डाल लेना, जैसे कि हाउस नंबर, गली नंबर, आपका लोकेलिटी एरिया। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट और स्टेट सेलेक्ट करके अपना एरिया पिन कोड डाल लेना है। अगर आपका परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग अलग है तो आपको दोनों फिल कर लेना है। अगर आपका परमानेंट और कॉर्पोरेस एड्रेस एक ही है तो आपको सेम एज ए एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन पर क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आप इसको यहाँ पर देखिए, क्लिक करने के बाद आप इसको सेव कर सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, देखिए जितने भी फॉर्म निकलते हैं आपका, फॉर्म तो सारे ही सिंपल होते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन किसी किसी में ऐसी कोई दिक्कत आ जाती है इस फॉर्म को भरने में, तो वो भर नहीं पाता है। तो इसी तरीके से हमने स्टेप बाय स्टेप बताया ताकि आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको इस तरीके की नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपने फॉर्म को घर बैठे बैठे भर सकें। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपने डिटेल भरेंगे ग्रेजुएशन की। अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है, बीए, सीए, सीएससी, बीटेक, बीएससी, जो भी आपने की हुई है वो आप इसमें फिल कर देंगे। उसके बाद अपना सब्जेक्ट आर्ट्स हैं, साइंस हैं, कॉमर्स हैं, लॉ से हैं, जिससे भी हैं आप हैं, वो आप सेलेक्ट करके अपनी डेट ऑफ पासिंग ईयर यानी कि जिस दिन आपका रिजल्ट आया था वो डिटेल यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे। मेंशन करने के बाद आपको यहाँ पर आगे वाले कॉलम में परसेंटेज अपनी भर देनी है, जैसे कि मैं अपने आप फिलहाल रिजल्ट की डेट डाल देता हूँ यहाँ पर, डेट ऑफ पासिंग। उसके बाद परसेंटेज आपको डाल देनी है, परसेंटेज यहाँ पर मेरी जो 93 थी इसमें जो मेरे पास स्टूडेंट था उसकी। उसके बाद ये आपको यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज है तो यस करेंगे, अदरवाइज़ नो कर देंगे। यहाँ पर कंप्यूटर की नॉलेज इनको है और इन्होंने सर्टिफिकेट कोर्स किया हो तो सर्टिफिकेट पे क्लिक करके कंप्यूटर ऑपरेटर पर क्लिक कर देंगे। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो यस करेंगे, अदरवाइज इसको नो करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये बोल रहा है कि आपको जो अगर ऐसी कैटेगरी के और आपको प्री ट्रेनिंग चाहिए तो आप ट्रेनिंग का एरिया चूज़ कर सकते हैं। तो आप जो दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली सेलेक्ट कर सकते हैं, वैसे इसमें दिल्ली का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो हम अपने नियर अबाउट आगरा सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर आगरा को सेलेक्ट कर लिया है, ये देखिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे के ऑप्शन में यहाँ पर आपको नो कर देना है और नो करने के बाद आपको यहाँ पर तीन लैंग्वेज का देखिए कॉलम खुल जाएगा, जो भी आपको तीन लैंग्वेज आती हो, जैसे कि मुझे इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी आती है, लेकिन मैं यहाँ पर पंजाबी मेंशन नहीं करूँगा। आप यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश और सेकंड कॉलम में हिंदी डाल सकते हैं। अगर आपको कोई अदर लैंग्वेज आती है, कोई लोकल लैंग्वेज आती है, तो आप थर्ड वाले ऑप्शन में फिल करके वैलिडेट योर डिटेल पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हम कर देंगे वैलिडेट योर डिटेल, देखिए सक्सेसफुली हो चुकी है। उसके बाद ओके एंड सेव एंड नेक्स्ट। इसके बाद देखिए यहाँ पर बैंकों की लिस्ट आ गई है, प्रीफ्रेंस दिया गया है कि आपको कौन सा बैंक सेलेक्ट करना है। वैसे तो आप सारे ही बैंक ठीक हैं, बैंक की जॉब तो अपने आप में ही बहुत अच्छी है, लेकिन आप अपना प्रीफ्रेंस दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर देखिए अपना प्रीफ्रेंस दे देता हूँ। देने के बाद आपको यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, फॉर्म को केयरफुली भरना है ताकि आपको किसी तरीके की दिक्कत ना हो, जल्दबाजी मचाइएगा मत। ताकि देखिए उसके बाद आपको प्रीव्यू देख लेना है अपने फॉर्म का, किसी भी तरीके की अगर आपको कोई डाउट लग रहा हो, कोई मिस्टेक लग रही हो, तो आप इसको यहाँ पर अभी एडिट कर सकते हैं। आफ्टर सबमिशन फॉर्म आप किसी भी तरीके की कोई एडिटिंग इसमें नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पर केयरफुली देख लीजिए। देखिए यहाँ पर डिक्लेरेशन है कि आई एग्री आपका सारा फॉर्म सही है कि नहीं है, तो यहाँ पर आप तीनों पर टिक कर नहीं करेंगे, आपको सिर्फ आई एग्री के बाद फर्स्ट वाले कॉलम पर ही क्लिक करना है। अगर आपका 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड में नाम अलग अलग है तो आप दोनों ही कॉलम पर टिक करेंगे, दोनों के बाद आपको फर्स्ट और थर्ड पर क्लिक करना है, सेकंड को छोड़ देना है। यहाँ पर हमारी सारी डिटेल एकदम एक्यूरेट है तो हम फर्स्ट और सेकंड पर क्लिक करेंगे, थर्ड वाले क्लिक को हटा देंगे यहाँ से। ठीक है दोस्तों, थर्ड वाले क्लिक को हटा देने के बाद अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि यहाँ पर आपका कुछ डेटा गलत था, आपका नाम अगर चेंज है तो आप थर्ड वाले पर करेंगे। यहाँ पर हम थर्ड वाले को हटा देंगे क्योंकि हमारी सारी डिटेल एकदम एग्जैक्ट है। और उसके बाद हम करेंगे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे, और ये करने के बाद ओके कर देंगे। देखिए यहाँ पर इसकी जो फीस है, यहाँ पर आपका मांगेगा थंब इम्प्रेशन और हैड रिटर्न डिक्लेरेशन। तो आपको थंब पहले से ही अपने सिस्टम में रख लेना है, अपना लेफ्ट हैंड थंब। यहाँ पर अपना लेफ्ट थंब आप इसमें अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद देखिए यहाँ पर साइज़ आपको पहले से ही बना के रख लेना ताकि आपका टाइम ख़राब ना हो, हमने पहले से ही बना के रखा हुआ है। देखिए यहाँ पर थंब लगा दिया है, लगाने के बाद यहाँ पर ओके कर देंगे। अगर गलत होता है तो क्लियर पर क्लिक कर सकते हैं दोबारा से री अपलोड करने के लिए। उसके बाद आप डिक्लेरेशन लगा देंगे, डिक्लेरेशन में आपको लिखना है आई हैव डिक्लेयर दैट ऑल इन्फॉर्मेशन आर करेक्ट बाय मी। अगर आप इस तरह का डिक्लेरेशन नहीं मिलता तो आप अपने हाथ से लिख के भी लगा सकते हैं। उसके बाद कैप्चा कोड डाल के सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखिए आपका फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आपकी फ़ीस है 175, आपको ये फ़ीस अपनी भर लेनी है। जो भी आपके पास ऑप्शन हो आप उससे भर सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको क्या क्या ऑप्शन आ रहा है फ़ीस भरने का।
तो फीस भरने के लिए देखिए यहाँ पर कई तरीके के ऑप्शन आपको लेफ्ट साइड में दिख जाएंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग वॉलेट, या फिर क्यूआर कोड, या फिर यूपीआई। आप किसी से भी अपनी पेमेंट कर सकते हैं, जो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से ये बैंक की वैकेंसी है तो यहाँ पर ऑप्शन भी ज़्यादा दिए गए हैं हर तरीके से पेमेंट करने के। अगर आपके पास क्यूआर कोड है तो मेक पेमेंट करके क्यूआर कोड से भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर देखो वॉलेट का एक बार दिखा देता हूँ आपको, वॉलेट में कई सारे वॉलेट आ रहे हैं। देखिए वॉलेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको हर तरीके के वॉलेट, जैसे नॉर्मली आप पेटीएम वगैरह यूज़ करते हैं, मोबीक्विक वगैरह यूज़ करते हैं, एयरटेल मनी वगैरह यूज़ करते हैं, तो आप उससे भी इसकी पेमेंट इजीली कर पाएंगे। तो इसी तरीके के काफ़ी ऑप्शन इसमें दे रखे हैं। देखिए यहाँ पर वॉलेट आपको एक बार दिखा देते हैं यहाँ। ठीक है दोस्तों, अगर आपको देखिए हाँ ये वीडियो पसंद आई है और आपको सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो देखिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, जैसे एडमिट कार्ड रिजल्ट वगैरह अगर आते हैं तो उसकी भी डिटेल हम अपने चैनल पर डालते हैं, ताकि आपको हर तरीके की नॉलेज टाइम टू टाइम मिल सके। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर लिखना कि आपको किसी भी तरीके की दिक्कत तो नहीं आई है। और चलते हैं और फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की जानकारी पाने के लिए। ठीक है दोस्तों, वेल धन्यवाद दोस्तों।